हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने डीबीटी के पीवाईटी को डिस्कस करा है और उसी के साथ हम लोगों ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की वीडियो को हम लोगों ने पॉइंटर के रूप में डिस्कस करा था। तो ये जो है आपका 3 से 4 दिन बचा हुआ है और हम आपको रोज लगभग 3 से 4 वीडियो देंगे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी जो है इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। बट मैं आपको इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस दो चीज को कवर करेंगे 2008 to 2022। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बेट गेट नीट या आईसीएमआर को टारगेट कर रहे हैं तो ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो के को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये हमारा है पहला वीडियो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी पे। पॉइंटर के रूप में सेम है जैसा कि पहले हम कर रहे थे, वैसे ही जैसा हम डीबीटी में कर रहे थे वैसे ही इसको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स याद रखिए कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड देयर होस्ट सेल। इसका क्या मतलब है कि पहली बात तो ये यहाँ पे साफ साफ इन लोगों ने लिख रखा है कि इंट्रा सेलुलर पैरासाइट मींस पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं। पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक क्या इंट्रा सेलुलर और दूसरा हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट का मतलब है कि वो पैरासाइट जो सेल के अंदर अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को करते हैं या अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर होगा इनसाइड द होस्ट सेल तो उसे हम क्या कहेंगे इंट्रा सेलुलर, और क्या हो गया हमारा आउटसाइड द सेल। अगर आउटसाइड द सेल है तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरी चीज, अब जो ये इंट्रा सेलुलर है यह भी और एक्स्ट्रा सेलुलर है यह भी दो तरीके के हो सकती है। एक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट जो स्ट्रिक्टली सिर्फ शरीर के अंदर ही होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर ही अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करेंगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। क्या अगर उसको स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, अगर उसको तुम बाहर निकालोगे वो डेथ कर जाएंगे। दैट टाइप ऑफ नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। सेम एज वो एनिमल जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा आउटसाइड ही होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑब्लिगेट एक्स्ट्रा सेलुलर। जस्ट इसके अपोजिट जो स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन इनसाइड द बॉडी वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और आउटसाइड वो जिंदा है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट वो है इनसाइड बट आउटसाइड भी ठीक ठाक है। That type of the parasite is known as facultative intracellular parasite. मतलब facultative है कि हाँ ठीक है मिल गया तो अंदर रहेंगे नहीं तो बाहर। तो इस तरह से intracellular और extracellular parasites के बारे में हम जानते हैं। Meaning that parasites reproduction is entirely reliant on the intracellular resources. ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है एक ऑब्लिगेट एक्स्ट्रासेलुलर पैरासाइट है दैट डेवलप अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल।
मतलब क्या है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल। लेकिन आउटसाइड आउटसाइड द सेल और होस्ट से चिपकने के लिए, होस्ट से अटैच होने के लिए उनके पास एक ऑर्गेनेल होती है जो कि उनको हेल्प करती है होस्ट सेल से अटैच होने के लिए। और ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, यह ऑर्गन उनको सेव करती है माइकोप्लाज्मा को उनके सीलियरी क्लियरेंस के लिए। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन या पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, हमारी बॉडी प्राइमरी इम्यून सिस्टम इनेट इम्यून रिस्पॉन्स देती है, और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स उनको रोकता है, और उसी बैरियर्स में एक सीलियरी मूवमेंट होती है जो हमारे नेजल में सीलिया होती है, वो सीलिया उसको बाहर की तरफ फेंकती है। और जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का जो ये हमारा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वो उसी सीलियरी क्लियरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म से उसको रोकती है, मतलब वो उसको चिपकने में हेल्प करती है। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक बैक्टीरिया है, पर उसके सेल वॉल नहीं होते हैं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं। चूंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम पेनिसिलिन से क्या नहीं कर सकते, इसे ट्रीट नहीं कर सकते। पेनिसिलिन जो होती है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाके टारगेट करती है और बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म करती है, बट माइकोप्लाज्मा में चूंकि सेल वॉल नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक जो है उससे नहीं रोक सकते हैं। माइकोप्लाज्मा विल नॉट स्टेन, ये स्टेन नहीं होती है, इसलिए इसे हम ग्राम निगेटिव कहते हैं। एक और है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एक ग्राम निगेटिव ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है एंड सिम्बायोंट ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमन टू अमीबास। मतलब क्लेमाइडिया जो होती है यह एक ग्राम निगेटिव है, ग्राम निगेटिव का मतलब है कि यह ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते हैं। दूसरा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है, मतलब क्या है कि यह इनसाइड द बॉडी ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और किसी के बॉडी के साथ रहना और उसे नुकसान ना पहुंचाना, उसे हम सिम्बायोसिस की प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि सिम्बायोसिस टर्म का मतलब होता है शेयरिंग द टेबल, एक ही टेबल पे बैठ के दो लोग खाना खाएं, तो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो क्लेमाइडिया जो है वो एक ग्राम निगेटिव ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है, और वो सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस जो है वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के साथ रखती है, चाहे वो ह्यूमन से मतलब ह्यूमन से अमीबा तक। क्लेमाइडिया की बात हो रही है, दे लैक द सेवरल मेटाबॉलिक एंड बायोसिंथेटिक पाथवे एंड डिपेंड ऑन द होस्ट सेल फॉर इंटरमीडिएट इंक्लूडिंग द एटीपी। क्लेमाइडिया जो है यह एटीपी के लिए भी अपने होस्ट सेल पे डिपेंड है, अगर हम इसे सेल के बाहर निकाल देंगे इसकी डेथ हो जाएगी। दैट इज द रीजन दैट इज द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। अगला है रिक्टेसिया, यह भी एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होती है, डिपेंड ऑन इंटरी ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग यूकैरियोटिक होस्ट सेल। रिक्टेसिया क्या है? रिक्टेसिया भी एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है जो कि अपनी इंट्री ग्रोथ रिप्लिकेशन रिप्रोडक्शन इन सभी चीजों के लिए यूकैरियोटिक होस्ट सेल पे डिपेंड होती है। हम रिक्टेसिया को रिक्टेसिया स्पीसीज कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट कल्चर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट कल्चर पे भी हम रिक्टेसिया को ग्रो नहीं कर सकते। ऊपर बैक्टीरिया की बात हो रही है, जितने भी वायरस हैं वो सभी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी भी होस्ट के अंदर जाके ये एक्टिव होते हैं, बाहर ये आउटसाइड ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट इंटिटीज आउटसाइड द सेल और कैन एग्जिस्ट एज अ पोटेंशियल एक्टिव।
जो कि क्या हमारा आर वायरसेस, जितने भी वायरसेस है वो सारे के सारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। क्यों पैर है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर होस्ट के अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं और ये आउटसाइड द बॉडी या इनर्ट रहते हैं ड्यू टू द रीजन दैट इज कंसीडर्ड एज अ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग। अभी जो ऊपर मैंने एक बात करा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे दो बातें बोली गई है, माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया। पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो कौन से होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेन हो जाते हैं वायलेट। जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होती है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में जो बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो जाते हैं उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और वायलेट कलर के होने के पीछे रीजन है थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, उसके कारण वो लेयर जो है ग्राम स्टेन को अपने पास रख लेता है जिससे कि वो वायलेट कलर रिप्रेजेंट करता है एंड विच रिटेन द क्रिस्टल वायलेट दिस सेल्स आर स्टेन विद। मतलब क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एक थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की उसके सेल वॉल में, और वो सेल जो थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन के वो क्या करती है ग्राम क्रिस्टल वायलेट को क्या करती है अपने पास रख लेती है, और जिससे कि वो बैक्टीरिया हमें वायलेट कलर की दिखाई देती है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड, ग्राम पॉजिटिव क्या है हमारा वायलेट कलर की है बट ग्राम निगेटिव रेड कलर की होती है विच इज एट्रीब्यूटेड टू द थिनर पेप्टिडोग्लाइकन। याद रखें यहाँ पे क्या थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होती है, पर वहीं पे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होती है विच डज नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट ड्यूरिंग द डी कलरिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? जब हम डी कलरिंग की प्रोसेस करते हैं तो ये क्रिस्टल वायलेट को अपने पास नहीं रख पाती है ड्यू टू द रीजन दे आर रेड इन कलर। देखिए ग्राम बैक्टीरिया ग्राम निगे जो ग्राम स्टेनिंग है इसके ऊपर मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस किया था, उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो PYQ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। अनदर टर्म इज अ डिसबायोसिस। डिसबायोसिस जो है ये क्या होता है हमारा डिसरप्शन टू द माइक्रोबायोम रिजल्टिंग इन एन इम्बैलेंस इन द माइक्रोबायोटा चेंजिंग इन देयर फंक्शनल कंपोनेंट कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सिर्फ इन देयर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि हर एक एनिमल के गट में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी होती है जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं, और माइक्रोबायोम के डिसरप्शन में माइक्रोबायोम का डिसरप्शन के लिए डिस्टरबेंस के लिए हम डिसबायोसिस यूज करते हैं। तो डिसबायोसिस टर्म दो बार पूछा गया है बेड में 2021 और 22 दोनों में पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिसबायोसिस क्या होता है डिसरप्शन टू द माइक्रोबायोम रिजल्टिंग इन एन इम्बैलेंस ऑफ द माइक्रोबायोटा। मतलब माइक्रोबायोटा हमारे बॉडी में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे गट में ई कोलाई होता है तो ई कोलाई का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो विटामिन के लिए होता है, बट अगर उसका एक अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो वही हमारे लिए नुकसानदायक है, दैट इज अ हार्मफुल। तो वो जो इम्बैलेंस हुआ जो उसका अमाउंट बढ़ गया दैट इज नोन एज अ डिसबायोसिस। इससे क्या होता है हमारा फंक्शनल कंपोजिशन बदल जाएगा या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बदल जाएगा या उस माइक्रोबायोटा का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल वो हमारे गट में है, गट की जगह वो क्या आ जाए हमारा इंटेस्टाइन में ऊपर की तरफ आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए या और कहीं मूव कर जाए, तो दैट टर्म इज नोन एज डिसबायोसिस। दिस इम्बैलेंस कुड बी ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इम्यूनिटी मेंबर्स और चेंज इन द रिलेटिव अवेयरनेस ऑफ माइक्रोब्स। मतलब दिस इंबैलेंस का मतलब सिर्फ गेन ही नहीं है लॉस भी हो सकता है। अगर ई कोलाई कम हो जाएगा तो क्या होगा विटामिन के हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, जो वो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं वो चीजों की कमी हो जाएगी, दैट इज आल्सो द चेंज इन द फंक्शनल कंपोजिशन। या किसी के अमाउंट की किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स का अवेयरनेस को हम बदल दे। यहाँ पे एक ट्रीटी है द
बुडापेस्ट ट्रीटी, इसका क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर, क्या हमारा बुडापेस्ट बुडापेस्ट ट्रीटी जो है वो हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिपॉजिट के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन द बुडापेस्ट हंगरी ऑन 28 अप्रैल 1977। मतलब हंगरी के बुडापेस्ट में एक साइन हुआ था इंटरनेशनल ट्रीटी पे, जिसे हम बुडापेस्ट ट्रीटी कहते हैं। इस ट्रीटी में क्या होता है, हमारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमें पेटेंट कराना है तो हम उसे डिपॉजिट करते हैं। ये हमारा 28 1977 में साइन हुआ, मतलब ये ट्रीटी क्या था, आया था, बट ये इंटर हुआ था 19 अगस्त 1980, और ये बाद में 26 सितंबर 1980 को ये अमेंडेड हुआ है। तो इंटर इनटू द फोर्स ऑन 19 अगस्त और 1980 सितंबर में ये अमेंडेड हुआ है। बुडापेस्ट ट्रीटी एलिमिनेट द नीड टू डिपॉजिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ईच कंट्री वेयर पेटेंट प्रोटेक्शन इज साउट। ये लाइन याद रखना कि बुडापेस्ट ट्रीटी जो है वो एलिमिनेट द नीड ऑफ डिपॉजिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ईच कंट्री वेयर द पेटेंट प्रोटेक्शन इज साउट। यहाँ पे पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है उसको, मतलब जहाँ पे पेटेंट प्रोटेक्शन साउट में है वहाँ पे ये डिपॉजिट करना जरूरी है हर एक कंट्री। अंडर द ट्रीटी द डिपॉजिट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी सेटिस्फाइड द डिपॉजिट रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रीटी मेंबर्स नेशनल पेटेंट लॉ। मतलब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी है, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, सारे लॉ मतलब जो पेटेंट के लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट था हमारा बुडापेस्ट ट्रीटी से। अब यहाँ पे आते हैं हम लक्स ओपेरॉन। लक्स ओपेरॉन जो होती है, यह ओपेरॉन जैसे हमारा लैक अराबिनोस मैनोस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, उसी तरह यह लैक्स ओपेरॉन होती है जो ल्यूमिनिसेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ल्यूमिनिसेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए जो ओपेरॉन रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लक्स ओपेरॉन कहते हैं, और यह लक्स ओपेरॉन इनकोड द जीन फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन। ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन का सेल्फ रेगुलेशन करती है या प्रोडक्शन करती है। मोस्ट वेल स्टडीज ओपेरॉन इज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया विब्रियो फिसेरी। विब्रियो फिसेरी से सबसे पहले ये ओपेरॉन स्टडी करी गई थी, लैक ओपेरॉन उसी से आइसोलेट किया गया था। विब्रियो फिसेरी एक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हुज ओपेरॉन प्रोड्यूस ल्यूसीफिरेज प्रोड्यूस्ड अ येलोइश कलर बायोल्यूमिनेसेंस ऑफ अबाउट 490 नैनोमीटर। ध्यान रखना विब्रियो फिसेरी जो है इसके पास एक मतलब एक विब्रियो फिसेरी ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन का प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्शन करती है, और ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन जो है वो ल्यूस मतलब ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन जो है वो एक ओपेरॉन से कंट्रोल होता है, जिसे हम लक्स ओपेरॉन कहते हैं। और लक्स ओपेरॉन जिस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज ल्यूसीफिरेज एंजाइम। ल्यूसीफिरेज एंजाइम जो होती है वो विब्रियो फिसेरी में येलोइश कलर्ड बायोल्यूमिनेसेंट देती है, जो जिस कलर की जो वेवलेंथ है वो होती है 490 नैनोमीटर। इसके अलावा एक जो हमारा है एच पायलोरी जो है ये कहाँ पे रहती है, ये सोचने वाली बात है। देखो अभी ऊपर ही मैंने कहा कि ई कोलाई हमारे पेट में रहती है, हमारे गट में रहती है, सेम ऐसे ही आपका हेलिकोबैक्टर पायलोरी, क्या है नाम इसका, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, हाँ पायलोरी,
ये जो है ये हमारे स्टमक में रहती है, लेकिन हमारी बॉडी या एनिमल बॉडी का जो स्टमक होता है वो स्टमक बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में रहता है या एसिडिक कंडीशन में रहता है। तो हार्श या एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक में एच पायलोरी को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ एंजाइम को सिक्रीट करना होगा, या ये कह दो कि एच पायलोरी जो है वो हमारे स्टमक में रहती है तो यह एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसे हम यूरीएज कहते हैं। यूरीएज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। ये अमोनिया जो होती है, देखिए क्या हुआ कि यूरिया से अमोनिया बना और यह अमोनिया एज अ न्यूट्रलाइजेशन यूज होती है HCl जो कि स्टमक में है, और यह मोर हॉस्पिटेबल बनाती है बैक्टीरिया को रहने के लिए। देखो कितना, मतलब कितनी अच्छी बात है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो कहाँ रहती है, स्टमक में रहती है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl होता है। HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या कर रही है, एच पाइलोरी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसे हम यूरिएज कहते हैं। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देने से बैक्टीरिया के रहने के लिए बहुत ही अच्छा घर बन जाता है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अराउंड द एच पाइलोरी न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द स्टमक मेकिंग इट मोर हॉस्पिटेबल फॉर द बैक्टीरिया। एक और एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूरिएज एक्टिविटी, therefore influence H. pylori urea resistance at the neutral pH। मतलब क्या हो गया, एक यूरिएज हो गया, पर यूरिएज एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। मतलब क्या है कि यूरिएज की जरूरत है, यूरिया की जरूरत क्या है, यूरिया से अमोनिया बदलने के लिए। अमोनिया की जरूरत क्या है, अमोनिया की जरूरत है स्टमक के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिससे कि एच पाइलोरी रह सके। लेकिन यूरिया की एक्टिविटी के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जरूरत है। अब न्यूट्रल पीएच पे जो है हमारा एच पाइलोरी यूरिया के प्रति रेजिस्टेंट रहती है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं मिला और यूरिया बढ़ गया तो एच पाइलोरी का रेजिस्टेंट होना जरूरी है, अगर रेजिस्टेंट नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। मतलब कितनी चेंजेस करके एच पाइलोरी हमारे स्टमक में रह रही है, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या क्या कर रही है। एच पाइलोरी सबसे पहले यूरिया बना रही है, उस यूरिया से अमोनिया बना रही है, अमोनिया बना के न्यूट्रलाइज कर रही है। अब न्यूट्रल पीएच पे जिंदा रहने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज होना जरूरी है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्यों, क्योंकि यूरिया की एक्टिविटी को मेंटेन करें, और अगर यूरिया का अमाउंट ज्यादा है तो यूरिया के प्रति हमारा एच पाइलोरी रेजिस्टेंट रहती है। बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज अमाउंट बाय द बैक्टीरियम बैक्टीरियम्स यूरिएज रिएक्शन एंड एच पाइलोरी इज एडिशनली एक्सपोज्ड टू द बाइकार्बोनेट दैट इज कंटीन्यूअसली सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स। यहां से क्या समझ में आया कि बाइकार्बोनेट जो होती है वो लार्ज बैक्टीरिया बैक्टीरियम यूरिएज रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा रिलीज होती है बाइकार्बोनेट। अब एच पाइलोरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बाइकार्बोनेट के साथ क्या होती है हमारे पास, एक्सपोज होती है, और बाइकार्बोनेट एक्सपोज बहुत होती है क्योंकि बाइकार्बोनेट हमारे एपिथेलियल गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल से भी रिलीज होती है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइकार्बोनेट इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइकार्बोनेट बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू यूरिएज मीडिएटेड एसिड रेजिस्टेंस एंड एडाप्टेशन टू दी गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट। तो एच पाइलोरी के लिए यूरिएज मीडिएटेड एसिड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और एडाप्टेशन एडाप्टेशन के लिए सीए एंजाइम का कंट्रीब्यूशन बहुत है। पूरा लाइन को समरी करें तो एच पाइलोरी जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं यह हमारा स्टमक में होता है। एच पाइलोरी एक एंजाइम निकालता है जिसे हम यूरिएज कहते हैं। यूरिएज जो होता है वो यूरिया को अमोनिया में बदलता है।
अमोनिया जो है स्टमक के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है और न्यूट्रलाइज करके उसको बैक्टीरिया के रहने के लिए अच्छा सा हॉस्पिटेबल घर बनाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यूरिया जो है वो अमाउंट में ज़्यादा होगा, इसलिए मतलब वो हमारा यूरिया जो है वो वहाँ पे है और अमोनिया चला गया न्यूट्रलाइज करने के लिए। दूसरा एक और एंजाइम है बाइकार्बोनेट एनहाइड्रेस जो कि यूरिएज की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बाइकार्बोनेट जो होता है, ये बाइकार्बोनेट दो जगह से मिल रहा। एक तो बाइकार्बोनेट जो है ये बैक्टीरियम यूरिएज रिएक्शन से है, यूरिया से अमोनिया बनने में, और दूसरा बाइकार्बोनेट गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल से भी रिलीज हो रहा कंटिन्यूअसली। तो अब एच पायलोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहा बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से। अब इस बाइकार्बोनेट को इंटर कन्वर्ट करने के लिए सी ए एंजाइम की जरूरत है जिसे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं, और ये जो सी ए मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस से इंटर कन्वर्जन जो बाइकार्बोनेट का हो रहा उसको हम यूरिया मीडिएटेड एसिड रेजिस्टेंस जो है ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया को गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में एडॉप्टेशन के लिए जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन को हिट करो, और दूसरी वीडियो भी आने वाली है तो जल्दी से हिट करके जल्दी से पढ़ो। डेफिनेटली इस बार बेटर तुम्हारा क्वालिफाई होने वाला है अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो। थैंक यू।